हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल गुरु में। आज मैं आपको रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में कुछ विस्तार बताने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, ये कैमरा बता देते हैं, बैटरी बता देते हैं, ये जो होता है आपको बता देते हैं। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे चीज़ तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं या कहीं भी देख सकते हैं, तो इसका फीचर जो बता देगा, लेकिन इसका जो मेन चीज़ होता है वो कैसा चलता है, किस तरह से चलता है वो नहीं पता। तो मैं इस मोबाइल को मैंने 4 दिन से इसको चलाया है और उसके बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये मोबाइल किस तरह से चलता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ये दोस्तों हमारा यहाँ सेंसर है, ये देख लीजिए, जो कि अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। देखिए लॉक, ये खुला, ये बटन भी दिया है और ये सेंसर भी। चलिए इस तरह से खोल लेते हैं। तब तक इसमें मैंने इसमें नाइट मोड ऑन किया हुआ है, इसलिए इस तरह से ये फीचर शो कर रहा है। तो सबसे पहला बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों इसमें यहाँ एक सेंसर भी है और सेंसर के साथ इसमें बटन भी दिया हुआ, जो कि न्यू वाला है तो काफ़ी अच्छा है। चलिए और आगे देखते हैं। आगे इसका कैमरा जो 48 मेगापिक्सल का दिया हुआ है, ये सिर्फ मेरे अनुसार से ये नाम के हैं, बाकी तो कुछ काम है नहीं इसमें। 48 मेगापिक्सल, 47 मेगापिक्सल दे देते हैं, बट कुछ काम का नहीं होता ये सब कैमरा। तो इसलिए मैं दोस्तों आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका बैटरी बैकअप जो है बहुत ही अच्छी है। बैटरी बैकअप मतलब हर चीज़ में अच्छी है, लेकिन एक कैमरा क्वालिटी जो होती है वो आपको जिस तरह से चाहिए वो उस तरह से आपको नहीं मिल पाती है इसमें। तो मैं तो चाहूँगा कि दोस्तों आप लोग ये फ़ोन मत लेना मेरे नज़र से। एक तो इसका साइज़ जो कि काफ़ी बड़ा है ना, मतलब हाथ में एडजस्ट नहीं हो पाती है। ठीक है दोस्तों, कैमरा कुछ खास नहीं है इसमें का, बाकी सारी फीचर्स इसमें बहुत ही अच्छी है। और मैं बता दूं आपको, सेंसर भी काफ़ी अच्छी है और बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी है। और ये मेरे को 16,000 रुपये में पड़ रहा है अमेज़ॉन से। मतलब इसमें हर चीज़, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो सारी चीज़ अच्छी है, लेकिन ये फ़ोन गेम के व्यू से बनाया गया है, लेकिन गेमिंग जब मैंने किया तो ये फंसना शुरू हो गया। तो गेम के लिए तो उतनी भी अच्छा नहीं है ये। अगर आप गेमर हैं तो आपके लिए फ़ोन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। और मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं और वीडियोस बनाए हैं, वो मैं आपको इस पर अभी दिखाता हूँ। चलिए तो देखते हैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़। ये सेल्फीज़ हैं, ये सेल्फी, 3 फ़ोटो इस तरह से हैं। और मैं आपको ये दिखाता हूँ फ्रंट कैमरा, ये देखिए दोस्तों फ्रंट से है, लेकिन कुछ ख़ास नहीं है। अगर 48 मेगापिक्सल दिया है तो इसमें कुछ ख़ास होनी चाहिए, लेकिन उतनी अच्छी है नहीं। फ़िलहाल 16,000 में अच्छी है। सोलोमो भी मैंने बनाया है, देख लीजिए। ठीक है, तो एक सोलोमो वीडियो भी बनाया, मैंने फ़ोटो भी क्लिक्स की है बहुत सारी। और इसमें एक और ख़ास बात है दोस्तों कि आप अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं तो आप ये, जैसे मैंने ये फ़ोटो खींचा
और फ़ोटो को मैं उसी में इसमें एक ऑप्शन दिया हो जो कि आप वीडियो भी बना सकते हैं फ़ोटो का इस तरह से। तो ये भी फीचर्स काफ़ी अच्छी है और बहुत सारी जिसमें चीज़ें इसमें बहुत अच्छी अच्छी है। बट वो जो आप गेमिंग के लिए आप लेना चाह रहे हैं तो गेमिंग के लिए नहीं है, गेम खेलते वक्त आपका ये सिस्टम फंसने लगता है। तो मेरे अंदाज से ये गेम के लिए सिस्टम अच्छी नहीं है। देखिए मैंने फ़ोटोज़ बहुत सारी क्लिक किए हैं, कुछ अच्छी आती है कुछ बुरी आती है। तकरीबन 16,000 में तो सही है लेकिन गेम के लिए सही नहीं है दोस्तों। मैंने गेम बहुत बार चला के देखा है, ये फंसने लगता है सिस्टम, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, फलाना ढिकाना ये वो, मैं वो ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ यही बता रहा हूँ कि आपको ये अगर गेमिंग के व्यू से ले रहे हैं तो ये फ़ोन मत लेना। अगर ऐसे चलाना है तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं क्योंकि इसमें हर चीज़ बढ़िया है। बैटरी बैकअप तो और भी मस्त है, बैटरी बैकअप भी मस्त है और हर चीज़ में ठीक ठाक है, लेकिन कैमरा भी उतनी अच्छा नहीं है। और हाँ दोस्तों, इसमें चार्जिंग की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है, चार्ज लगाओ एक घंटा में आपको फुल चार्ज मिल जाएगा और बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छी है। मैंने इसको 4 दिन चलाया फिर मैंने आपको इस पर आपको ये करके बता रहा हूँ ताकि आप खुद समझ लें और आपको ये फ़ोन लेनी है ना लेनी है आप डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर और भी इसमें कुछ जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका अगला भाग बनाकर आपको बता सकता हूँ। और सब सारी चीज़ वही है पुराने फ़ोन की तरह, और इसका जो लंबाई भी है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ना। तो बड़ी बड़ी फ़ोन ठीक नहीं होती है, बट इसके अनुसार से तो ठीक ही है। चलो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।